अगली खबर है जयपुर से, जहां 6वीं क्लास का बच्चा घर में घुसे चोर से भिड़ गया। पकड़ने पर चोर ने बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। डंडे सरिये से ताबड़तोड़ वार कर बच्चों को घायल कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोसियों के आने पर बदमाश तेजी से भाग निकला। करधनी थाना पुलिस ने सोमवार शाम मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ बदमाश की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि हरिनगर गोकुलपुरा निवासी सत्येंद्र शर्मा ज्योतिष हैं। वह पत्नी स्वाति, बेटे देवांश और दिव्य के साथ यहां रहते हैं। स्वाति प्राइवेट स्कूल में टीचर है, बेटा देवांश 6वीं क्लास और दिव्य फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। 22 सितंबर को स्वाति का बीएड का एग्जाम था। आमेर स्थित महाराज कॉलेज में स्वाति को एग्जाम दिलाने के लिए सत्येंद्र गए थे। इस दौरान घर में दोनों बेटे ही मौजूद थे। दोपहर करीब 3:15 पर छोटा बेटा दिव्य अंदर कमरे में सो रहा था। बड़ा बेटा देवांश घर के पोर्च में कोने में बैठकर खेल रहा था। एक बदमाश धीमे से मेन गेट खोलकर अंदर आया। बाहर पोर्च में बैठे देवांश ने उसे देख लिया, पीछे से जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आवाज लगाते देखकर बदमाश देवांश की ओर दौड़ा। देवांश का गला पकड़कर लोहे के सरिये से सीने पर ताबड़तोड़ वार किए। जमीन पर गिरने पर देवांश ने बदमाश का पैर पकड़ लिया। बदमाश ने डंडा निकालकर देवांश के पैर और सिर पर वार किए। गला पकड़कर देवांश को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। चोट लगने पर देवांश चीखने चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर पड़ोसी घरों से बाहर निकल आए। पड़ोसियों को आते देखकर बदमाश भाग निकला। पड़ोसियों ने देवांश को संभाला। पूछने पर उसने बताया कि घर में एक चोर घुसा था, उसके साथ मारपीट कर भाग गया। पड़ोसियों ने आसपास की गलियों में जाकर देखा, लेकिन बदमाश नहीं मिला। एसएचओ बनवारी लाल मीणा का कहना है कि पुलिस को बच्चे ने बताया था कि चाकू से हमला किया है। उसके सीने और हाथ पर कई निशान मिले हैं, लेकिन वह चाकू के नहीं है। मामले को संदिग्ध मानते हुए शिकायत में रखा गया। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।